सीबीआई जांच की मांग करते हैं ये बीपीएससी के छात्र, जिन्होंने मंगलवार को एक बार फिर पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट से नाराज छात्र बीपीएससी हाय हाय के नारे लगा रहे थे, हाथों में तख्तियां लेकर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों की मांग है कि जिन प्रश्नों के उत्तर बदले गए उसके बदले कट ऑफ घटाकर रिजल्ट दिया जाए। बीपीएससी ऑफिस के बाहर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। पिछले मंगलवार को भी अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था, जिसके बाद आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने छात्र नेता दिलीप कुमार को बुलाकर बातचीत भी की थी, जिसके बाद आयोग ने 15 और अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया था। लेकिन इसके बाद छात्रों का आक्रोश और तेज हो गया। छात्रों ने बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को हटाने की मांग की और नई एक्सपर्ट टीम बनाने की मांग भी की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग अब विवाद लोक सेवा आयोग लगने लगा है। परीक्षा हो या फिर परीक्षा परिणाम, विवाद से शुरू और विवाद पर ही खत्म, लेकिन विवाद खत्म नहीं। परीक्षा हुई, उसके बाद से विवाद हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ, हंगामा हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद से परीक्षा परिणाम घोषित होते ही फिर से हंगामा शुरू हो गया है, विवाद शुरू हो गया है। परीक्षा परिणाम तो आए, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से छात्रों को लग रहा है कि उसमें बड़ी धांधली की गई है, बहुत बड़ी सेटिंग की गई है, हालांकि बीपीएससी और सेटिंग का पुराना रिश्ता रहा है, पुराना नाता रहा है, और ये बीपीएससी ये दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है, चाहे बीपीएससी के चेयरमैन लक्ष्मी राय से लेकर के चेयरमैन को जेल तक जानी पड़ी है, यानी कि बीपीएससी की गद्दी पर जो भी बैठा है, भ्रष्टाचार, सेटिंग, विवाद, ये पुराना नाता रहा है। आज ये बताइए, आज क्या विवाद शुरू हुआ है? परीक्षा हुई, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, री एग्जामिनेशन हुए, कहा गया कि बहुत पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और परीक्षा परिणाम भी निकलेगा, लेकिन पीटी की परीक्षा परिणाम आता है और उसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है। पीटी का जो रिजल्ट दिया गया उसमें 113 कट ऑफ जाना अप्रत्याशित था और ये कहीं ना कहीं धांधली की तरफ इशारा करता है। खैर, मान ले कि अगर पीटी की 113 कट ऑफ चला भी गया, उसके बावजूद भी प्रश्न ये उठता है कि उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन थे उसके आंसर आयोग द्वारा गलत जारी किए गए, उस पर ऑब्जेक्शन माना गया। ऑब्जेक्शन जब मांगा गया, 9 जो सवाल हैं वो गलत पाए गए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं, बड़ी संख्या में छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो जिस तरीके से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, जिन्हें मेंस की तैयारी करनी थी, जिन्हें परीक्षा का जो अगला चरण है उसकी तैयारी करनी थी, वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हालांकि 13,000 से ज़्यादा छात्रों को परीक्षा परिणाम में, यानी कि पीटी की जो परीक्षा हुई है, पीटी में पास इन्हें घोषित किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये बताइए, ये कैसे और क्यों आपको लग रहा है कि बीपीएससी चोर है? क्योंकि ना सीबीआई जांच करवा रहे हैं, ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि 500 बच्चों को ये लोग पैसे लेकर एग्जाम दिलवाए हैं, वो 500 बच्चों का कोई अता पता नहीं, ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, यहाँ की गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है हम लोग की तरफ से, तो क्या है चोर के दारी में दिन का, ये लोग सब मिले हुए हैं। अमरेंद्र कुमार को त्याग पत्र देना चाहिए, ये लोग सब मिले हुए हैं, हम लोग के साथ भविष्य, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोग साल साल बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब अभी तो हम लोग को पता चला है कि अभी, मतलब सोचिए कब से हो रहा होगा, मतलब अभी हम लोग को पता चला है और हम लोग पागल की तरह तैयारी किए जा रहे हैं। क्या असर हुआ है? 9 क्वेश्चन गलत हैं, उसका क्या असर हुआ हो? देखिए, आयोग का से मनमानी नहीं है, ठीक है ना, सालों साल से मनमानी चलते आ रहा है। आयोग जो 9 क्वेश्चन गलत दिया है उसका सीधे कट ऑफ कम करके हम लोग को या तो रिजल्ट दे, नहीं तो फिर से एग्जाम कंडक्ट करवा ले, अगर अगर उसमें दम है तो फिर से एग्जाम कंडक्ट करवा ले। एग्जाम को होल्ड किया जाए, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता मेंस एग्जाम को होल्ड किया जाए और वापस से रिजल्ट दिया जाए प्री का, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट जो रह गए हैं 2 मार्क्स 4 मार्क्स से, उन लोग को मेंस में बैठने का मौका मिले। अच्छा, अभी 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 ये बताइए, अभी एक क्वेश्चन को गलत को आधार पर 15 लड़कों को शामिल किया गया है, 9 क्वेश्चन गलत हैं,
तो इस तरह से कैसे चलेगा, हर क्वेश्चन पे 15 लड़कों को शामिल किया जाए। 22 तारीख को खुद चेयरपर्सन बोले थे कि एक क्वेश्चन पे 2 से 3 हजार स्टूडेंट हैं। अब आप ही बताइए, एक क्वेश्चन का सिर्फ 15 बच्चे को दे रहे हैं, कहाँ करने आए हैं, उन्हीं की बात पे गलत हो रही है। देखिए, अब सीबीआई जांच की मांग होने लगी है। बड़ी संख्या में यहाँ जो छात्र हैं जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी थी, पीटी का रिजल्ट आया है और उसके बाद से यहाँ हंगामा शुरू हुआ है। जो प्ले कार्ड्स है, 6 लाख बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, नीतीश कुमार से मांग, अमरेंद्र कुमार को हटाने की मांग, बिहार लोक सेवा आयोग जो अब विवाद लोक सेवा आयोग ज़्यादा लगने लगा है। और इस वजह से, क्योंकि देखिए, परीक्षा शुरू होते ही विवाद शुरू होता है, परीक्षा परिणाम आते ही विवाद शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अब छात्रों को जो यहाँ धरने पे बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं, उन्हें अब बिहार सरकार पे, इसकी जांच पे कोई भरोसा नहीं है। अब ये छात्र चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, जब तक मेंस की परीक्षा न ली जाए, जब तक कि ये जो पीटी की परीक्षा का जो परिणाम आया है उसमें जो अपेक्षित सुधार है वो सुधार करके और फिर से रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है, तब तक इस परीक्षा को होल्ड किया जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। छात्रों से मिलने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी बीपीएससी ऑफिस के बाहर पहुंचे, जिन्हें छात्रों ने घेर लिया। विजय सिन्हा ने छात्रों का साथ देते हुए कहा कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। नौ प्रश्न गलत हुआ, एक प्रश्न का सुधार किया, फिर भी 8 प्रश्न आज भी गलत है। और इसका मिनिमम कटअप भी अभी तक तय नहीं किया गया। बच्चों के रिजल्ट के दूसरी चीज की परीक्षा कंट्रोलर पर जब आरोप है, 150 प्रश्नों का ये सेटअप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो इनको अविलंब हटाना चाहिए और सीबीआई की इससे जांच करानी चाहिए। और अगर जो इस पवित्र संस्था बीपीएससी का विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए भ्रष्ट लोगों को हटाना चाहिए, सीबीआई से जांच कर करके, सीबीआई से जांच करा के अमरेंद्र कुमार के बारे में भी कई तरह के विषय आया है। माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार बीपीएससी के माध्यम से बहाली का घोटाला न करे, प्रतिभा का हनन नहीं करे, प्रतिभा बिहार के बच्चों के प्रतिभा का सम्मान के लिए बीपीएससी की विश्वसनीयता बरकरार रखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बीपीएससी की परीक्षा में सवालों के जवाब आपत्ति के बाद बदले गए। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, इस बार 9 सवालों के साथ ऐसा हुआ जिसके उत्तर बीपीएससी को आपत्ति के बाद बदलने पड़े। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि ये कैसा आयोग है जो 150 ऐसे सवाल भी नहीं पूछ सकता जिसके जवाब उसे खुद ठीक ठाक से नहीं मालूम। ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों का कहना था कि मुख्यमंत्री तक उनकी मांग पहुंचाई जाए और वहां से आश्वासन मिलने के बाद ही लोग हटेंगे। आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद पहले ही कह चुके हैं कि अब तक जिन छात्रों को पीटी परीक्षा में पास घोषित किया जा चुका है उनके रिजल्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन आयोग 9 प्रश्नों के बदले कट ऑफ घटाकर और रिजल्ट देने के पक्ष में नहीं है। बीपीएससी पीटी की परीक्षा 8 मई को ली गई थी, ये परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद आयोग में जांच का लंबा सिलसिला चला, कईयों की गिरफ्तारी हुई, कई नए नियमों के साथ 30 सितंबर को फिर से परीक्षा ली गई, लेकिन इसमें हाई कट ऑफ जाने और कई आंसर्स को बदलने पर लंबे वक्त से विवाद गहराया हुआ है। Thank you.